एक हम शुरू की हुई थी हमने दवा, क्या थी, काली सल्फ और फिर कालमिया और आज के लिए इग्नेशिया है। आपकी तबीयत कैसी है? और श्री बेगम की बैठी है, इसके मतलब है खांसी इतनी नहीं है जितनी उस दिन थी। पहले तो ये खौफ था कि यहाँ डिस्टर्ब ना करें, इसलिए बेहतर हो गई है कुछ आप जी। किस चीज़ से? माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये फायदा को भी इससे बड़ा फायदा हुआ था और दो दिन में ज़्यादा सही पता लगा मुझे। ये एक्विनाइट का एक और पहलू सामने आया है। पहले लेक्चर्स में मैं बताता रहा हूँ वही बातें जो तमाम होम्योपैथ दुनिया के कहते हैं कि एक्विनाइट शुरू की दवा है और क्रॉनिक नहीं है, और पुरानी बीमारियों में, लंबी बीमारियों में बेअसर हो जाती है। लेकिन मुझे एक तजर्बा हुआ जिसके नतीजे में मैं और भी अब तजर्बे कर रहा हूँ कि एक खातून ने मुझे लिखा था कि कई साल से मुझे खाने की आम चीज़ों की एलर्जी हो गई है और इतनी तकलीफ दे चीज़ है कि रोज़मर्रा का आदमी रोटी सालन भी ना खा सके, क्या करे। आलू की भी एलर्जी, गंदम की भी एलर्जी, फलां की भी एलर्जी, और यूरोप में इसके बहुत ऐसे केसेस मिलते हैं। और साथ ही उसने ये इतला भी कर दी कि मैं हर किस्म की होम्योपैथी और एलोपैथी करवा चुकी हूँ, इसलिए मतलब था कि आप मुझ ऐसी चीज़ ना रिपीट करें जो मारूफ हो इस किस्म की एलर्जीज के लिए, क्योंकि अच्छे से अच्छे होम्योपैथ देख चुके हैं और एलोपैथी का इलाज भी करवा चुकी हूँ, इनको फ़ायदा नहीं हुआ। उनको मैंने, मुझे अचानक ख्याल आया कि एक मेरा नज़रिया है उसको मैं इस्तेमाल करके देखूँ। वो नज़रिया ये था कि खौफ, जो दबा हुआ खौफ है, ये है बुनियादी वजह एलर्जीज की। हर किस्म की एलर्जी इशारा करती है किसी दबे हुए खौफ की तरफ, किसी मौके पर किसी एक चीज़ का खौफ पैदा हो गया है। और ये बात सोचने में एक मेरा पुराना तजुर्बा भी मददगार हुआ। मैं अचार बचपन में बहुत खाया करता था, कभी तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन एक दफ़ा अचार खाया और उसकी तकलीफ हो गई, उसके बाद फिर अचार नहीं खा सकता बिल्कुल। तो जिस्म के अंदर जो मामूल के रद्द अमल हैं उनमें अचार के ख़िलाफ़ कोई कमज़ोरी नहीं थी, और एक दफ़ा जब अचार ने कब्ज़ा किया है तो उसके रद्द अमल के तौर पर फिर हमेशा वो जो याद है ना, वो दबे हुए खौफ की तरह अंदर काम कर रही है। उसी से मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ था कि दबे हुए खौफ हैं। फिर जब मैंने कॉमन माइट को देखा, जो हाउस होल्ड माइट कहलाती है, उसको जब उसकी तस्वीर एनलार्ज की हुई 1000 गुना ज़्यादा, तो मैं हैरान रह गया कि वो नहायत ही खौफनाक, डायनासोर से भी ज़्यादा वो हौलनाक चीज़ है। उसकी जो बनावट है उसमें अजीब किस्म के बने हुए हैं, खंजर और तलवारें और नोकदार फल और बर्छियाँ, और सारी उसकी जिल्द इर्द गिर्द की किसी नहायत हौलनाक डायनासोर की याद दिलाती है। तो मैंने कहा अगर इसको कोई देख ले तो जान निकल जाए डर के मारे। तो उस पर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है अंदरूनी जिस्म में बाज़ ये सलाहियतें हों कि कहीं जो चीज़ आँख से नज़र नहीं आ रही, जैसा जरासीम के खिलाफ एक तभी रद्दअमल होता है, उसकी शक्ल भी इंसानी जिस्म पहचानता है। तो कोई अंदरूनी आँख ऐसी है जो इसकी शक्ल पहचान के इससे डरा चुकी है मरीजों को, और फिर खौफ ने कब्ज़ा कर लिया है। ये जो शक्ल पहचानने का मज़मून है ये कतई साइंटिफिक है, इसमें कोई होम्योपैथिक थ्योरी या किसी थ्योरी का दखल नहीं है। इंसानी निज़ाम दिफा कोई जवाबी कार्रवाई कामयाबी से नहीं कर सकता जब तक एग्जैक्ट हमलावर जरासीम की मेजरमेंट, उसकी शक्ल, उसका साइज, उसकी मुकम्मल पहचान उन कारखानों तक ना पहुंचा दी जाए जहां दिफाई इंतज़ाम तैयार होगा। वो
फैगोसाइट्स वगैरह की सूरत में या किसी शक्ल में जो भी दिफाई निज़ाम बनेगा, ये भेजने के लिए कि इसको तुमने मारना है। जब तक बैन ही उसकी शक्ल की इतला न पहुंचे वो हो ही नहीं सकता। इसलिए शक्ल नापने का और पहचानने का और एक्यूरेटली उसको मेजर करने का अंदरूनी इंतज़ाम मौजूद है, और उसके लिए जो एल कौन से सेल्स कहलाते हैं, जो हैं नहीं नहीं लिम्फाइट से निकलते हैं, उनका नाम है आम मुझे याद था, पता नहीं क्यों उधर गैस वजन से, वो सेल हैं जो सबसे पहले मौके पर पहुंचकर जायजा लेते हैं, और जरासीम की मुकम्मल मेजरमेंट उनकी शक्ल सूरत उनकी अदात हर चीज को रिकॉर्ड करके ये जो है ना आरएनए जो मैसेंजर सेल्स हैं उस टाइप का एक सेल है जो आता है और फिर वहाँ से मैसेज लेकर वापस पहुँचता है। वो फिर हड्डियों के गूदों में और दूसरे ग्लैंड्स में जहाँ जहाँ दिफाई सिपाही तैयार हो रहे होते हैं उनको जाके ये बताता है कि बैन ही इस शक्ल का हमला है, इतनी मकदार में है, जिस्म के किस हिस्से में है। फिर बहुत तेज़ी के साथ जिस्म वो दिफा तैयार करना शुरू करता है। अब जो दिफाई तैयारी में वक्त लगता है वो वक्त है जिसको डॉक्टर्स कहते हैं कि ये रेजोल्यूशन का पीरियड है। बाज़ बीमारियों में 3 दिन कम से कम लगते हैं रिजॉल्व करने में, नमूनिया वगैरह में इससे ज़्यादा। अगर कहीं कोई निज़ाम की ख़राबी मौजूद हो तो फिर वो क्रॉनिक हो जाता है केस, पूरी तरह रिजॉल्व होता नहीं है। मगर जो रेजोल्यूशन का निज़ाम है वो ये है कि जितनी देर वो कारखाना तैयारी करेगा उतनी देर उसको मौका है खुल खेले बीमारी और पनपती रहे और मुसीबत डाली रखे। उसके रद्देअमल में बुखार पैदा होता है और बुखार जो है वो मदद करता है इस रियलाइजेशन की कि खतरा बढ़ रहा है तो कुछ करो। जहाँ वो कारखाना दिन रात काम करके वो फौजी तैयार करता है, उनकी जब वो स्ट्रीम चलती है उसकी तरफ तो वो जवाबी हमला शुरू हो जाता है। फिर दोनों सोल्जर्स मारे जाते हैं, ये अजीब निज़ाम है क्योंकि एक दफ़ा जो पैदा हो गया इसका फिर बाद में काम कोई नहीं है, ये वापस जाके फिर वहाँ बैठ नहीं सकता। इसलिए ये भी मरता है, जो हमलावर जरासीम है वो भी मरते हैं, और उसका नाम पीप है या टॉक्सिन्स हैं जो भी रिलीज होती है। टॉक्सिन पीप तो अगर बाहर हो तो बाहर आ जाती है, जो अंदर पैदा हो रही है उससे सेप्टिसीमिया भी पैदा हो जाता है, लेकिन वो तो आमतौर पर जरासीम से पैदा हो रही है जब अभी पूरी रेजोल्यूशन नहीं हुआ। जब रेजोल्यूशन हो जाए तो फिर वो पीप और या वो जरा गंद निकलने के लिए तभी निज़ाम जो है ना जिस्म का पसीने पेशाब वगैरह के वो बड़ी सहूलत के साथ अमल में आ जाता है और यानी कार फरमा हो जाता है, अमल तो शुरू कर देता है, उसमें बेचैनी बीमारी का कोई हिस्सा नहीं होता। बहुत ही तसल्ली से रिलैक्स होकर जो मरीज को सेहत का पसीना आता है, खून के पेशाब होता है, इजाबत होती है, वो सारी इन फौजियों की लाशों से भरी होती है और उसके बाद जिस्म को इत्मीनान नसीब हो जाता है। तो बुनियादी तौर पर जब तक शक्ल पहचानी ना जाए उस वक्त तक रद्देअमल हो नहीं सकता, और शक्ल की पहचान ऐसी है जो आप अपनी बाशऊर फिरासत से कभी नहीं मालूम कर सकते, इतनी बारीकी है। अब किस तरह एग्जैक्टली एक छोटी सी चीज़ का साइज उसके हर पर का उसके कोने का, क्योंकि जो भी जवाबी हमलावर है उसकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए जो उसको एग्जैक्टली एनवलप कर ले, उसका कुछ भी बाकी न रहने दे और उसको ढांप ले, उसकी क्रेविसेस में उतर जाए और उसको बिल्कुल बेअमल करके ख़त्म कर दे। फिर वो दोनों उसी हालत में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये वो इल्म था इस बात का जिसने ये भी
اس نظریے کو تقویت دی سارے کہ وہ جو جن جن جراثیم وغیرہ سے الرجی ہے یا جن کھانوں سے الرجی ہے, کھانوں میں تو فیئر ہے صرف, لیکن جو مائٹس وغیرہ کے خلاف الرجی ہے اس میں اندر سے جسم نے پہچانا ہے اور جو پہچان ہے وہ باقاعدہ رد عمل والے حصوں میں منتقل نہیں ہو سکی صحیح طریق پہ, خوف پیدا ہو گیا ہے. بس جب بھی وہ جراثیم جسم میں نظر آتے ہیں, داخل ہوتے ہیں کہیں سے, وہ خوف ہے جو اس کے خلاف ایک فالس رد عمل پیدا کرتا ہے. اگر پہچان منتقل ہو چکی ہو فیکٹریز میں تو فالس رد عمل نہیں ہوگا, پھر وہ ان مائٹس کو ڈسٹروائے کر دے گی. فالس رد عمل کا کہیں کچھ مس کیریج ہوا ہے اور خوف تو رہ گیا ہے, لیکن خوف کو جو پریسائز ایگزیکٹ مینوان نپت اللہ پیغام دینا چاہیے تھا وہ نہیں دے سکا. یہ ہے میرا نظریہ الرجیز کے متعلق. اب میں ان کو بتا رہا تھا کہ اس کو استعمال کا کیسے موقع ہے, آپ چونکہ بعد میں آئے میں پھر بتا دیتا ہوں. ایک خاتون نے مجھے خط لکھا کافی دیر پہلے, کئی مہینے پہلے کی بات ہے, کہ مجھے کئی سال سے الرجی ہے جو ہر قسم کی روزمرہ کی خوراک سے الرجی ہے. نہ میں روٹی کھا سکوں, نہ سالن کھا سکوں, نہ آلو کھا سکوں. بڑی عذاب کی زندگی ہے. جو روزمرہ ہمیں عادت ہے زندگی کو سپورٹ دینے کے لیے جو خوراک کھاتے ہیں وہ میں نہیں کھا سکتی. اور ساتھ ہی اس نے مجھے متنبہ کیا کہ میں ہر قسم کی ایلوپیتھک اور ہر قسم کی ہومیوپیتھک استعمال کر چکی ہوں, اس لیے کوئی فوری آسانی سے نسخہ نہ دے دینا کہ یہ نسخہ کام آئے گا. ایسے نسخے مل چکے ہیں کہ کام نہیں آئے. اس وقت مجھے یاد آیا اپنا یہ نظریہ جو بڑا پرانا ہے, میں نے کہا آج اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں. اور فیئر کا چونکہ سب سے زیادہ تعلق ایکونائٹ سے ہے, جس میں آسنی کے فیئر میں بے چینیاں ہیں, وہ الگ پہچان ہے محض فیئر, تو مجھے خیال آیا کہ بے شک یہ ایکیوٹ ہے لیکن وہ گھڑی جب ایکونائٹ ملنا چاہیے تھا اور ایکونائٹ نہیں ملا, وہ ایکنائٹ ہی کو یاد کر رہی ہوگی. اس لیے اس بحث میں پڑے بغیر کہ لوگ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, کرونک ہے یا نہیں ہے, میں کہ میں آزماتا ہوں, لیکن ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ یہاں اونچی طاقت میں کام کرے گا, کیونکہ جتنا اونچا ہو اتنا گہرا پیغام دیتا ہے. پرانی یاد کو دوبارہ ادھیڑ کر باہر لانا یہ چھوٹی پوٹینسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو میں نے ان کو لکھ دیا کہ آپ 1,00,000 طاقت میں ایکونائٹ کھا لیں, بس ایک خوراک. اب 3-4 دن ہوئے مجھے خط ملا ہے, حیرت انگیز, کافی دنوں کے بعد مجھے بتایا ہے تسلی کے بعد. انہوں نے کہا وہ ایک خوراک کھائی تھی وہ دن اور آج کا دن, الرجی کا نام و نشان باقی نہیں رہا. ہر چیز میں اسی طرح کھا رہی ہوں, وہی استعمال کر رہی ہوں. اس پہ دوسرا تجربہ میں نے کیا چھیری بیگم کے اوپر, ان کی بیگم پر. ان کو جو کھانسی اٹھتی تھی اس سے زیادہ ان کو خوف تھا کھانسی کا. اس قدر چہرہ ڈرا ہوا تھا جب مجھے بتایا ہے, تو مجھے اچانک یاد آ گیا وہ تجربہ. میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ بھی الرجی کھانسی ہو اور خوف اس کو زیادہ بگاڑ رہا ہو. تو میں نے ان کو 1,000 طاقت میں ایکونائٹ دی. میرے پاس 1,00,000 تھی نہیں, ورنہ 1,00,000 ہوتی تو ہو سکتا ہے آپ کا گھٹنا بھی ٹھیک ہو جاتا ساتھ ہی. وہ اللہ نے فضل کیا, نمایاں فرق پڑا. فائزہ دوپہر کے کھانے پہ بہت سخت بیمار نظر آ رہی تھی. میں نے کیا ہوا, انہوں نے کہا ساری رات بے چینی کھانسی پیچھا نہیں چھوڑتی, اور جب دورہ آتا ہے تو بس بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے. یہی تھا نا تمہارا, ہاں یہی تمہارا نقشہ تھا, مجھے یاد آ گیا. میں نے کہا اس کو تو چھیری بیگم والی کھانسی ہے. میں نے اس کو بھی ایکونائٹ 1,000 دی. دوسرے دن ہستی کھیلتی ہے کہ بالکل آرام سے رات گزری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی ایسی متھس بن چکی ہیں جو ہماری کتابوں میں, کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ایکا کر لیا ہے کہ یہ عارضی ہے, یہ مستقل ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے. یہ ساری باتیں نظر انداز کر کے خود موقع شناسی کے ساتھ, قطع نظر اس کے کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, اپنا کلینیکل تجربہ کریں, اور اس میں آپ کو نئی نئی چیزیں دریافت ہوں گی. جیسی میں اکثر
تجربے کرتا ہوں اور مجھے ملتی رہتی ہیں چیزیں جن کا کتابوں میں ذکر بھی کہیں نہیں. تو تجربہ بازی میں صرف یہ احتیاط کرنی ہے کہ ایک دو تجربوں میں اگر مریض فائدہ نہ اٹھا سکے تو بے شک اس کو ایلوپیتھک ڈاکٹر کے سپرد کر دیں یا کسی اور ہومیوپیتھ کے پاس. یہ قتل ہوگا اگر آپ اپنے ہاتھ میں رکھ کر اسے تجربہ گاہ بنائے رکھیں کہ نہیں دعا ضرور کوئی ہے, اب ٹھہرو ابھی آئے گی ابھی آئے گی. یہ ظلم ہے. جی کہ جو الرجیز ہیں ڈیفینیٹلی سٹریس ٹینشن جب ہو تو ڈیفینیٹلی بڑھ جاتی ہیں. ایسما بھی مثلا کئی لوگ ہیں اچھے بھلے ہیں, جب سٹریس ہو ٹینشن ہو خوف تو بڑھ جاتا ہے ضرور. بلکہ سکن کی پرابلم بھی تو بالکل ٹھیک ہو. ہر چیز کا ایک خوف دامنگیر ہے جو دبا ہوا ہے کانشیس مائنڈ کا نہیں, لیکن جو ڈیفینس سسٹمز ہیں امیون سسٹم جن کو آپ کہتے ہیں ان کا تعلق ہی خوفوں سے ہے. وہ خوف ہی سے تو چلتے ہیں, وہی چابی ہے ان کی. ورنہ ہر انسان بیماریوں سے مر جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. یہ فیئر ہی ہے جو جس کی ایک انڈر کرنٹ چل رہی ہے جس کا کانشیس دماغ سے کوئی تعلق نہیں, جو ٹریگر آف کرتا ہے دفاع کے نظام کو اور اس کو جب ایک دفعہ چلا دیتا ہے تو پھر وہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے تفصیل سے وہ حرکت میں آتا ہے. لیکن میں نہیں, 100% وہی چیز بنتی ہے جس کی ضرورت ہے. تو جہاں خوف ہو جائے اور چیز نہ بنے اس کا مطلب ہے کہیں مسکیریج ہوا ہے. خوف اچانک بعض دفعہ اتنا غالب آ جاتا ہے کہ سٹن ہو جاتا ہے نظام, جس طرح انسانی دماغ بھی بعض دفعہ دفاع کی طاقت رکھتے ہوئے بھی مختل ہو جاتا ہے. تو یہی حال اندرونی نظام کا بھی ہے. وہ چیزیں, وہ خوف جو بیٹھ رہے جسم کے اندر بیٹھ رہے, میرے نزدیک وہی ہے جو الرجی پیدا کرتا ہے. تو ایک تجربہ تو کیا ہے, لیکن ایک تجربہ کافی نہیں. یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر خوف کی دوا ایکو نائٹ ہی نکلے. بسا اوقات اور بھی الرجی کی دوائیں ہیں, وہ بھی خوف کا ایلیمنٹ رکھتی ہیں اپنے اندر, خوف کا پہلو ان کے اندر شامل ہوتا ہے. اس لیے تجربہ کرنا چاہیے. ایک تجربہ میں نے اور کیا ہے, کل ایک فلی فیلڈ بنائی ہے ایاد کامل صاحب, ان کو میں وہ تھتلاتے ہیں بیچارے, بڑے ذہین اور بہت ہی مخلص فلسطینین ہیں جو آج کل اٹلی میں ڈاکٹر بن رہے ہیں. تو ان کو میں کئی دفعہ سٹیمونیم دے چکا ہوں, مختلف طاقتوں میں دے چکا ہوں, مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا. تو کل ان کو میں نے کہا ہے کہ 100,000 ہمیں دوائی مل جائے, ہم منگوا رہے ہیں باہر سے, تو ایک خوراک کھاؤ. کیونکہ تھتلانے کا تو بہت گہرا تعلق اور براہ بلا واسطہ تعلق خوف سے ہے. خوف نہ ہو تو انسان تھتلاتا نہیں. نظم پڑھنے کے موڈ میں ہے, نظم پڑھتا رہے, کوئی تھتلاتا نہیں. اس کا مطلب فزیکل بیماری نہیں ہے. اور جہاں یہ خوف پیدا ہوا کہ اب جواب دیتے وقت کہیں میں تھتلا نہ جاؤں, وہاں تھتلانا شروع کر دیتا ہے. اور جتنا زیادہ سٹریس ہو اتنا زیادہ تھتلاتا ہے. اور کئی لوگ میرے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ہم اتنا تو نہیں تھتلاتے تھے جتنا اب تھتلا رہے ہیں, اور تھت کر کے کافی دیر میں یہ بات بتاتے ہیں. تو وہ خوف کچھ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. اس لیے اس پر بھی میں تجربہ کیا ایکو نائٹ کا, اور اگلا میرا خیال ہے سٹیمونیم 100,000 میں دوں گا. کیونکہ جب اتنی تعریف پڑی ہے کہیں تو کچھ تو ہوگا اس کا رشتہ ستانے سے, لیکن میرے علم میں کبھی نہیں کوئی مریض شفا یاب ہوا اس سے. سٹریمونیم بارہا دیا, 30 میں دیا, 200 میں دیا, 1,000 میں دیا, کبھی کامیابی نہیں ہوئی کہ ایک مریض ستانا بند کر دے. تو اس کو میں نے 100,000 میں بھی کرنا ہے, مگر پہلے ایکونائٹ 100,000, پھر انشاءاللہ یہ. تو آپ بھی اس طرح کے تجربے کیا کریں, مگر محفوظ تجربے, بندہ ہی نہ مار بیٹھنا. آپ اپنی اولاد پہ بے خوف ہو کے استعمال کریں. یوں کیا حال ہے تو منصورہ, اچھی ہو؟ تمہاری ہومیوپیتھی کیسی چل رہی ہے ماشاء اللہ؟ تجربے ہو رہے ہیں دائیں بائیں؟ اور سبور کی رپورٹ کیا ہے؟
वो महफूज महीने में दाखिल हो गई है कि नहीं अभी तक? अभी नहीं है? अभी थोड़ा टाइम है। अच्छा, कितने दिन? 8 दिन तो हो गए बाकी जी। लेकिन वैसे इलामते ठीक है लगभग? कमर दर्द थी, मैंने उसको अल्टरनेट भी बुक किया था, आर्डिक का बेलेडोना और आर्डिक का ब्रानियन। ठीक है, हाँ दे रही हैं जी, तो उसको फायदा फायदा है। किसको? जिसने भी अभी किसी को दे। हाँ हाँ वो ना खाए एहतियात कहीं, बिल्कुल ही बेखौफ ही होके ना इलाज शुरू कर दे। डॉक्टर का खौफ अच्छी बात है, वो डरते डरते कदम उठाए। बाज जगहों पर खौफ जरूरी हो जाता है। वो अंग्रेजी मुहावरा सुना है नहीं आपने, जिसका तर्जमा ये है कि वो जगहें जहाँ फरिश्ते कदम धरते हुए डरते हैं, फूल को देखो किस बहादुरी से अंदर दाखिल हो जाता है। वो दायरे जहाँ फरिश्ते सहम जाते हैं अंदर कदम रखते हुए, एक फूल देखो कितना दिलेर होता है, वो बेधड़क उसमें दाखिल हो जाता है। तो इसलिए मैं डॉक्टरों को वो फूल नहीं बनाना चाहता जो बेखौफ हो चुका हूँ, समझे? ना ही खाना आप एहतियात। हाँ जी, आप क्या कह रही हैं? कौन कह रहा था? तो उसका काटना पड़ता है बाद में, कहते नहीं कि तुम्हारा बस फिजियोथेरेपी आजकल इलाज निकला है डॉक्टर। नहीं तंदा तो कटवाया था सर, ब्लेड भी तंदा था छोटे होते, रास्ते में ब्लेड से यूं किया तो बस ठीक हो गया। कुछ देर तक एक तरह से धागा लटका रहा बस, वो भी इधर मैंने नोचनाच के बाहर निकाल दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एक और तजुर्बा बरस वाला जो था ना, वो उसको ठीक हो रहा है, वो कह रही काला निशान दरमियान पड़ गया। शुक्र है, तुमने तो बड़ी मायूस रिपोर्ट की थी जी, कुछ नहीं तो होगा। उसने फिर मुझे बताया, मैंने कहा अच्छा फिर डॉक्टर बदल लो, कुछ नहीं होगा। नहीं आप भी ठीक थे। तो वही देते रहे आप वही। एकोनाइट का सीएम का कतन कोई भी किसी जगह नुकसान दिल या किसी और चीज पे नहीं है। एकोनाइट तो दिल का टॉनिक है और सीएम में भी टॉनिक ही का असर करेगा। आहिस्ता, लंबा और देर पा, समझे? अच्छा, अब मैं आपको काली सर्फ पढ़ा रहा था, कुछ और था काली सर्फ। फ्राइटन इट ट्राइफल्स एंड फॉरगेट्स व्हाट ही वाज गोइंग टू से। ये तो आम बीमारी है, कई दफा आपने देखा है, मैं भी भूल जाता हूँ। मैं काली सर्फ मैंने खा के देखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। काली सर्फ की पक्की इनाम थी कोई नहीं जो इंसान खा सके। मैंने पिछले दिनों अपने ऊपर बड़े तजुर्बे किए हैं दिलचस्प, खांसी के सिलसिले में जो कभी कभी एकदम उठती है ना, तो एक तो ये है कि उसमें तकलीफ ज़र्रा भी नहीं है। वो जो बेचैनी हुआ करती थी ना पहले खांसी में, अंदर खुजली और बेचैनी, अब वो नहीं रही, बिल्कुल साफ है। जो छोटा सा बलगम चिपका हुआ कभी गिरने लगे अगर, तो वो खांसी उछालता बस, और कोई वजह नहीं है, ना डिस्कम्फर्ट, ना बुखार, ना किसी किस्म की और इलामत, जुबान भी साफ, सब कुछ ठीक है। तो ये जो तजुर्बे मैं आजकल कर रहा हूँ, एक तो ये कि मैंने एक दो महीने से विटामिन सी खानी छोड़ दी है बिल्कुल, क्योंकि विटामिन सी एक अपना असर रखती है। अगर विटामिन सी के होते हुए तजुर्बे करें तो हम खुशफहमी हो सकती है कि दवा ने फ़ायदा दिया है। और विटामिन सी जिस्म को खुद बनानी चाहिए, अगर वो नहीं बनाता तो ये जिस्म की बीमारी है वो भी तो ठीक होनी चाहिए, इसलिए वो मैंने बिल्कुल छोड़ दी है। और जब मैं खाता रहता था तो अक्सर इस किस्म की खराशों वगैरह से साफ रहता था, लेकिन अगर हो जाए नज़ला फिर बड़ा सख्त होता था। तो अब उसके बावजूद एक चीज़ तो बड़ी वाजे हो गई है कि मुझे कोई तकलीफ, किसी किस्म की ख़ारिश, प्रेशर, जो खांसी का प्रेशर है बड़ा सख्त होता है, इंसान रोक रहा है, अंदर से उछल रहा है,
मुसीबत पड़ी होती है वो सब ख़त्म है। और ज़्यादातर जो इसको इसमें मैंने इफ़ेक्टिव देखा है कई तजुर्बे करके, एक तो है क्लेमेटिस और कैक्टस दोनों मिला के, ये बहुत मुफीद है ये धांस उठने के ख़िलाफ़। मगर चीनी बेगम पे इसने असर नहीं किया था, है ना? हाँ बेलाडोना भी दी, वो भी दी थी हाँ, लेकिन ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है ना, मैंने बेलाडोना छोड़कर भी इनको इस्तेमाल करके देखा है, ये बहुत मुफीद हैं। र्यूमेक्स भी अच्छी है लेकिन खुश खांसी में, और र्यूमेक्स की खुश खांसी जो है वो छीलने वाली और बेचैन करने वाली होती है। इस किस्म की खांसी जो मैंने बयान की है इसमें रूमस का कोई दखल नहीं है, फास्फोरस कोई फ़ायदा नहीं देगी, रस्टॉक्स नहीं देगी, क्योंकि रस्टॉक्स में वो ख़ारिश की बेचैनी होनी ज़रूरी है। मगर क्लेमेटिस और ये क्या हाँ कैक्टस, क्लेमेटिस और कैक्टस ये कम्बिनेशन अच्छा है उसमें। लेकिन काली सल्फ को मैंने चंद दिन इस्तेमाल किए, क्योंकि काली सल्फ में भी ये रामते थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज एक और दवा मैंने निकाली है जो शीरी बेगम टाइप की लड़कियों के लिए खांसी में मुफीद हो सकती है, और वो है ऐसी लड़कियां जो खौफ की अंदेश से हिस्टेरिकल होने की टेंडेंसी रखती हों, जिनमें एक दफ़ा खांसी छिड़े खुजली दूर करने के लिए तो करती चली जाए यहाँ तक कि गोता पड़ जाए, ये टिपिकल इलामत इग्नेशिया की है। इसलिए आज मैंने सोचा कि आजकल चूंकि खांसियों का दौर है, इसके बाद मैं आपको इग्नेशिया पढ़ाऊँ। इग्नेशिया भी उन दवाओं में से है जिसका बहुत वसी फ़ायदा है लेकिन बहुत महदूद इस्तेमाल में आती है, यहाँ तक कि अक्सर इसके जो फ़वाद हैं वो अक्सर होम्योपैथ से नज़रअंदाज रहते हैं। मैंने मेरे लिए में कोई होम्योपैथ नहीं आया जिसने इग्नेशिया को इसके वसी असरात में इस्तेमाल किया हो। गम इग्नेशिया, इग्नेशिया गम और हिचकी, और ये तीन चीज़ें हैं जिनका बंधन हुआ हुआ है, इनसे हट के कोई होम्योपैथ सोचने की तकलीफ ही गवारा नहीं करता। इसलिए अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आप समझेंगे कि कितनी अहम दवा है जिसको हम नज़रअंदाज किए बैठे हैं। अभी सुन लो पहले जी, बुखार के बाद खांसी बलगमी सी हो जाती है और बलगम हो जाती है, उसमें काली सल्फ में बहुत फायदा है, उसमें होगा ठीक है, उसमें इम्कान है। मगर ये जो हटी हुई खांसियां हैं ना जो आम दस्तूर से, खासतौर पर आजकल की जो नज़लाती बीमारियां फैली हुई हैं इसके मतलब तो सारा चोटी के जो इदारे हैं वो वार्निंग दे रहे हैं कि इस दफ़ा फ्लू का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, और मुतरब करते हैं कि ये बार बार आएगा, पीछा नहीं छोड़ेगा और कई किस्म की पेचीदगियाँ पैदा करेगा। अभी भी आ रहा है, और इसमें फ्लू में ये बात है कि अपनी शक्ल बदल देता है, हर अगली जो इसकी नस्ल है जरासीम की या वायरस की वो इवॉल्व होकर आती है, और कहते हैं कि ज़िंदगी में एवोल्यूशन की तेज तरीन मिसाल फ्लू के वायरस में मिलती है। आज कुछ शक्ल कुछ और, उसका नाम एवोल्यूशन उन्होंने गलत रखा हुआ है, ये एवोल्यूशन नहीं है दरअसल, बल्कि ये म्यूटेशंस की किस्में हैं। और ये नहीं है कि आज का फ्लू इवॉल्व होकर 100 साल फ्लू पहले के फ्लू से बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है, रिपीट होती रहती हैं चीज़ें, कभी ये म्यूटेट हो गया कभी वो म्यूटेट हो गया, और म्यूटेशन पर मौसम का असर पड़ता है, ख़ास किस्म के मौसम ख़ास किस्म की म्यूटेशंस को प्रमोट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। म्यूटेशंस उस तब्दीली को कहते हैं जो तदरीजी तब्दीली माहौल के असर से ना हुई हो, ज़रूरत के नतीजे में ना हुई हो, बल्कि अचानक वो जो जीन्स हैं उनसे एक और कैरेक्टर फूट कर अगली नस्ल को एक नया रंग दे दे किसी किस्म का, इसको कहते हैं म्यूटेशंस। और जो एवोल्यूशनिस्ट हैं बहुत ज़्यादा बिना करते हैं म्यूटेशंस पर, जहाँ कुछ भी वजह जवाब पेश न कर सकें म्यूटेशन कह के छुट्टी कर जाते हैं।
हर चीज़ म्यूटेशन से हो गई। लेकिन इसके ऊपर मैंने काफ़ी तबसरा लिखा है, किया है अपनी आइंदा आने वाली किताब में, और इस हिस्से में फौजिया शाह ने मुझे मदद दी थी टाइप वगैरह करने में, और फौजियों को अंदाज़ा है इंशाल्लाह, उसको मैंने बहुत इम्प्रूव कर लिया अब पहले से, रेफरेंसेस दे के सारे, पहले रेफरेंस इतने नहीं थे, एक हाइपोथेटिकल डिस्कशन थी, अब बाकायदा मुख्तलिफ इलाकों के हवाले के रेफरेंसेस उनकी किताबों से अब उसको मैंने साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल बना दिया है। उसमें आपको पता चलेगा कि ये सब इनकी गप्पें हैं, म्यूटेशन के जरिए एवोल्यूशन का मसला हल हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये तफसील वहाँ आपको मिल जाएगी। इस वक्त आपको मैं नेटम सेल्फ की, काली सेल्फ की तरफ वापस लाता हूँ। इम्पेशेंट एंड इम्पेचुअस कैन नॉट मेक अप हिज माइंड, बेसब्रा होता है, जल्दबाज होता है, फैसला करने की ताकत नहीं होती, लफ्स राइटिंग में इधर से उधर कर देता है, जैसे मैं भी करता हूँ, लिखते वक्त दोबारा पढ़ता हूँ तो पता लगा कि इस लफ्ज़ की बजाय दूसरा लफ्ज़ लिख गया था, या यहाँ की बजाय आगे रख दिया था। ओवर सेंसिटिव टू नॉइज, ये भी मुझ पर अप्लाई, इसकी तो हर बीमारी आप में से हर एक पर किसी न किसी वक्त अप्लाई करेगी काली सेल्फ, और कोई इंसानी तजर्बा ऐसा नहीं है जिसका इसमें जिक्र ना मिलता हो, सिवाय प्रेगनेंसी के, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए नेट काली सेल्फ को पढ़ें तो एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं, इसको एक तरफ रख दें, जब कोई और इलाज ना मिले तो तुक के तौर पर काली सेल्फ इस्तेमाल कर लें, जैसा कि इन्होंने की थी मंसूरा ने, और यहाँ इनकी तुक चल गई, ठीक है। और ये ठीक है, इसकी ये पहचान जो अमूमन बुखारों के बाद जर्द रंग की बलगम निकलती है उसमें काली सेल्फ, मेरा भी तजर्बा है, वो मुफीद है। ओवर सेंसिटिव टू नॉइज, द वर्टिगो इज ए प्रोमिनेंट फीचर इन द इवनिंग इन ए वार्म रूम एग्रेवेटेड आफ्टर ईटिंग, रात को खाने के बाद जो बाज़ फलों को चक्कर आते हैं अगर कमरा गर्म हो, उसमें नेटम सेल्फ मुफीद है। काम सॉरी काली सेल्फ, वही बात, नेटम सेल्फ वाली बीमारी है इसलिए नेटम को भूला भूल गया। बॉयलिंग सेंसेशन इन द हेड एंड कोल्डनेस एट वर्टेक्स, ये बॉयलिंग सेंसेशन भी बाद लोग बयान करते हैं, कोई ऐसी खास पहचान वाली अलामत नहीं है। कंस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरहेड, मच डैंड्रफ, अब डैंड्रफ तो आम है, वो हेड एंड शोल्डर्स के साथ देखे होंगे आपने कितने निकलते हैं, बहुत कसरत से है डैंड्रफ, हेयर फॉल्स आउट, अब हर एक कहेगा कि ये मेरी बीमारी है बाल गिरने की। कटारल हेडेक्स, गैस्ट्रिक हेडेक्स, क्या चीज़ रह गई है बाकी है, हेडेक अक्सर या कटारल होती हैं गैस्ट्रिक होती हैं, और क्रैक्ड लिप्स, इसके बाद होना चाहिए था क्रैक्ड ब्रेन्स, इंफ्लेमेशन ऑफ सब मैक्सिलरी ग्लैंड विद स्वेलिंग, ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, हैं? हाँ इसके बिल्कुल हाँ ठीक, इसका इसकी स्वेलिंग हो और इन्फॉर्मेशन हो। इसका एक अजीब तजर्बा ये लिखा गया है कि इट क्योर्ड ए वॉट ऑन द लिप, आमतौर पर होंठ पर वॉट नहीं होता, लेकिन कैंट कहता है कि एक ऐसा मरीज जिसके होंठ पर वॉट था उसको काली सेल्फ ने क्योर कर दिया, लेकिन प्रोडेंसी नहीं लिखी, इसलिए कई प्रोडेंसियाँ ट्राई करनी पड़ेंगी। एंड विल क्योर एपिथेलियोमा व्हेन द सिम्टम्स अग्री, अरे व्हेन द सिम्टम्स अग्री जो है ना, कि जब इलामतें मिल जाएं, यहाँ से सब छुट्टी हो जाती है, और कहे कि कुछ नहीं हुआ, कहते सिम्टम्स नहीं अग्री कर रहे होंगे, और इस दवा की सिम्टम्स अग्री करना कितना मुश्किल काम है, तो इसलिए वो एपिथेलियोमा बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, उसमें अगर और दवाएं काम ना करें तो इसको देना चाहिए। एफ्थी इन द माउथ, ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड ब्लीडिंग गम्स, टेस्ट इनसिपिड, प्यूटिड, सा स्वीटिश वांटिंग, लो जी, जगह छोड़ी है,
हर किस्म का टेस्ट है, कोटेड येलो स्लाइमी टंग मोस्टली एट द बेस। ये स्लाइमी येलो एट द बेस ये बहुत बीमारियों में पाई जाती है, इसलिए ये भी कोई इसकी खास पहचान नहीं है। ड्राइनेस एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द थ्रोट, फ्रीक्वेंट हॉकिंग ऑफ म्यूकस, ये भी हर खांसी में मिलता है, इल्ला माशाल्लाह। ड्राइनेस कंस्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट, फ्रीक्वेंट हॉकिंग ऑफ म्यूकस करके, हेमिंग करके उसको बाहर निकालना। द टॉन्सिल्स मच स्वोलन, स्वॉलोइंग डिफिकल्ट, टॉन्सिल्स स्वोलन, स्वॉलोइंग डिफिकल्ट, ये हर बीमारी में होता है। जब टॉन्सिल्स फूले हों तो स्वॉलोइंग डिफिकल्ट नहीं होती, क्यों डॉक्टर साहब? होती है ना। वो कौन सी दवा है जिसमें स्वॉलोइंग ही आराम देती है और स्वॉलो ना करना डिफिकल्ट है? बेप्टिशियन नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। कोई बताए, इग्नेशिया, इग्नेशिया एक ऐसी दवा है जिसमें जब तक आदमी कुछ खाता रहे, प्रेशर पड़े, निगलता रहे, दर्द को आराम रहता है, जहाँ छोड़ा वहाँ गला दर्द से भर जाता है। इसीलिए इग्नेशिया का मरीज सॉलिड फूड पसंद करता है इस दौरान, क्योंकि जो चीज़ गले में प्रेस करके गुजरे, टॉन्सिल्स को दबा के निकले, उससे उसको फायदा पहुँचता है। एवर्शन टू एग्स, टू ब्रेड, टू मीट, टू फूड, टू हॉट ड्रिंक्स एंड वार्म फूड, ये उसी लड़की का केस है जिसको मैंने एकोनाइट 1 लाख में दिया था। और मेरा ख्याल है कि तजर्बा करके देखें, जर्मनी में आम बीमारी है एवर्शन टू एग, जैसा ये एवर्शन है, नॉट एलर्जी, एलर्जी ये और चीज़ है, आई एम सॉरी। अगर दिल ना चाहे अंडे खाने को, या डबल रोटी खाने को, या गोश्त खाने को, यानी दो सब को, और हॉट ड्रिंक्स को और वार्म फूड को, यानी सिर्फ आइसक्रीम बाकी रह गई है, बाकी सबसे एवर्शन हो जाए। पेन इन स्टमक आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, बर्निंग, क्रैम्पिंग, खाने या पीने के बाद मेदे में दर्द और जलन और क्रैम्पिंग, यूं बल खाता है जिस तरह बल पड़ते हैं। वॉमिटिंग बाइल, फूड म्यूकस, सार थिंग्स, इसका मतलब है बाइल में आ गया कड़वाहट, और फूड तो है ही, जिसको जो भी उसका मजा होगा, म्यूकस भी आएगी और खट्टा बाकी रहा क्या। डिस्टेंशन आफ्टर ईटिंग, ड्रॉप्सी इन लार्ज लिवर, खाने के बाद पेट फूल जाना हवा से, ये तो इंग्लिस्तान में तो बहुत ही बीमारी है ये। और ड्रॉप्सी, वो वर्म, फुलफुली वर्म जिसमें हवा या पानी पड़ जाए, अक्सर पानी वाली वर्म को ड्रॉप्सी कहते हैं, जिगर की खराबी से होती है। और एनलार्ज लिवर, लिवर का ताल्लुक है ही इसके साथ। ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लेचुलेंस, जिसको नफख कहते हैं ना उर्दू में, बाज़ दफ़ा हवा पैदा हो रही है, कुछ मुंह से निकल रही है, कुछ दूसरे रस्तों से खारिज हो रही है, लेकिन जब इस किस्म का जफ़ा बन जाए कि दोनों तरफें जकड़ी जाएं और पेट फूलता रहे और तनाव का एहसास बढ़ता जाए, यहाँ तक के शदीद बेचैनी हो जाती है, बिल्कुल एक ज़र्रा भी, बुलबुला भी हवा का नहीं निकलता, इस बीमारी का नाम है ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लेचुलेंस। वो हवा जो पेट में कैद हो जाए और निकलने की राह ना पाए। पेन इन द एब्डोमन इन द नाइट, रात के वक्त दर्द, अब ये भी तो बहुत बीमारियों में है, अक्सर मरीजों को दिन की बजाय रात को ही दर्द शुरू होती है। सोरनेस इन एब्डोमन एंड इन द लिवर, ये भी कॉमन है। कॉन्स्टिपेशन, सोरनेस से मुराद है दुखन का एहसास एब्डोमन, पेट में। मैं इसलिए तर्जमे कर रहा हूँ कि लाहौर से मैंने बताया था ना आपको खत, जैसे कि आप अंग्रेजी लफ्ज़ बोल देते हैं और यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे
जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, तो उनकी खातिर कोशिश करें कि साथ साथ तर्जमा हो सके. अच्छा, कॉन्स्टिपेशन दैट इज़ वेरी ऑब्स्टिनेट. ऑब्स्टिनेट कहते हैं जिद्दी को. कॉन्स्टिपेशन कब्ज, ठीक है. ऑल्टरनेटिंग विद डायरिया, ये है जो कुछ दायरा महदूद करता है, मगर और भी बहुत सी दवाएं हैं जिनमें कब्ज की ऑल्टरनेशन असहाल के साथ है. उनमें एक नुमायाँ दवा मैंने शुरू में आपको पढ़ाई थी, किसी को याद है? हैं? और एपोसाइनम. एपोसाइनम में ये बहुत नुमायाँ है. कॉन्स्टिपेशन दैट इज वेरी ऑब्स्टिनेट, ऑल्टरनेटिंग विद डायरिया, क्रॉनिक डायरिया, ये भी आम बीमारी है. बाद लोगों को पुराना डायरिया लग जाता है, वो अलग फिर से होम्योपैथी से बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है. अभी चंद दिन में किसी ने मुझे लिखा था, मैंने दवा भेजी तो है लेकिन अभी जवाब नहीं आया. हेमरेज फ्रॉम द एनस, मकद से खून का बहना. हेमरॉइड्स, एक्सटर्नल इंटरनल लार्ज एंड ब्लीडिंग, वो जो मस्से हैं बवासीर के उनको हेमरॉइड्स कहते हैं. तो वो बड़े हों, बैरूनी भी हों और अंदर की तरफ भी हों, और उनमें खून जरियाने खून का रुझान भी हो, खून बहने का. टेनेसनेस आफ्टर स्टूल, ये एक बीमारी है जो और भी बाज़ दवाओं में नुमाया है. टेनेसनेस आफ्टर स्टूल, इजाबत के बाद फिर पेट में बल पड़ना, समझे. और इस किस्म का के बल और किन दवाओं में पाए जाते हैं डॉक्टर रशीद साहब? मरकोर में फर्क यह है कि इजाबत के दौरान भी बल पड़ता है, बाद में भी पड़ता है, लेकिन हटता नहीं इजाबत के बाद. एक दो और दवाएं ऐसी हैं जिनमें पेशाब के बाद पेट में बल पड़ता है, और एक दो और अजीब सी ऐसी हरकतें हैं जो पेट में बल डालने वाली. हंसते हुए बल पड़ना और चीज़ है, ये बल और है. ये बहुत जकड़ा जाता है पेट अचानक और तकलीफ देह है, तो इसके लिए याद रखना चाहिए. मुझे वो याद नहीं आ रही इस वक्त दवा, नहीं लाइक बोल और दवा थी जिसमें इसी तरह इजाबत के बाद फिर बल पड़ जाता है. पिछले एक दो महीने में जो दवाएं पढ़ाई हैं उनके अंदर ही है कोई. अच्छा, इचिंग वायलेंट, ये नोट किया आपने? ख़ारिश बहुत सख्त होती है. जो स्टूल्स हैं, एक्सकोरिएटिंग ब्लैक थिन एंड ऑफेंसिव, ये पतले स्याही माइल, छीलने वाले और ऑफेंसिव, सख्त बदबूदार, जो बदबू धक्का देती है. बदबू तो होती है लेकिन कुछ रूटीन की बू है. बू लगती तो बुरी है लेकिन इंसान इतना ज़्यादा महसूस नहीं करता, मगर बाज़ बदबूएँ ऐसी हैं जो धक्का देती हैं पीछे की तरफ. इसकी बदबू बड़ी सख्त है. इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज एंड स्टिचिंग पेन्स, गुर्दों के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन और दर्द ऐसे जैसे टांका भरे कोई. गोनोरिया इन द एडवांस स्टेज, पेशाब एल्ब्यूमिनस होता है, इसमें क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगी एल्ब्यूमिन भी आएगी. यूरिन बर्न्स एंड इज क्लाउडी, हाई कलर्ड, कॉपियस, स्कैंटी, ऑफेंसिव, विद रेड एंड पर्लर सेडिमेंट, कॉपियस, विसिड, म्यूकस इन द यूरिन. सब कुछ है इसमें, याद रखने की जरूरत ही कोई नहीं, ठीक है. आगे मर्दाना ना ताकती और मुतलका बीमारियाँ. मर्दों के लिए एक मुफीद दवा बताई गई है,
ऐसी औरतें जिनको एबॉर्शन की टेंडेंसी हो, रुझान हो, उनका रुझान दूर करने के मुतालिक भी इस दवा का मशवरा दिया गया है। इसलिए एबॉर्शन रोकने के लिए नहीं, बल्कि एबॉर्शन की टेंडेंसी यानी उसके रुझान को रोकने के लिए अगर ये दवा दी जाए कुछ अर्सा, तो बाज़ डॉक्टरों का ख्याल है कि ये उसमें उम्मीद होगी। तो हैबिटुअली जो औरतें एबॉर्ट करती हैं उन पर ट्राई करनी चाहिए। ल्यूकोरिया अब ऑल सॉर्ट्स, प्रोलैप्सिस ऑफ द यूट्रस, प्रोलैप्सिस जगह से टल जाने को कहते हैं, ढलक जाना, अपनी जगह से टल जाना और ढलक जाना, क्योंकि प्रोलैप्स तो यहाँ भी होता है कमर में भी, मनकों का जी। वो जगह से हटती है तो उसको प्रोलैप्सिस कहते हैं ना, नीचे तो नहीं उतरती। ये प्रोलैप्स आमतौर पर हुजूर वो जो झिल्ली है अंदर का जो हिस्सा है वो ढीला हो जाता है, लेकिन वो हर्निएशन है जो हुजूर फरमाते हैं ना, किसी जगह से अपनी जगह से दूर निकल जाना। नहीं, हमने जो आमतौर पर देखा है कमर की तकलीफ में एक तरफ के मसल का जो बैंड है वो ज़्यादा टेंस हो जाता है और एक तरफ का नॉर्मल रहता है या ढीला हो जाता है। जिस तरफ टेंस है वो खींच लेता है उस तरफ, और फिर वो असाब के ऊपर हड्डी का दबाव पड़ता है, इससे अमूमन डिस्क प्रोलैप्सिस, डिस्क का जो हिलना है इसको प्रोलैप्सिस कहते हैं, डिस्क प्रोलैप्स्ड है, प्रोलैप्स्ड डिस्क कहते हैं जी। तो उसमें गिरती तो नहीं है, वो हिल टलती है जगह से। ये हम तो हुजूर जो चूंकि नरम है ना ये उज़्व, इसलिए उसको ढलक जाता कहते हैं। वो अलग बात है, ढलकता होगा, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा, ठीक, मैं प्रोलैप्स का बता रहा हूँ कि हड्डियाँ तो नरम नहीं होती, नहीं, मन के तो सख्त होते हैं। ठीक। उनका जो फिनोमिनन मैंने बताया है कि आमतौर पर हम सब बोझ उठाते रहते कुछ नहीं होता, अगर किसी वजह से जो मसल्स का बैंड दोनों तरफ चल रहा है वो जिम्मेदार है रीढ़ की मनकों को अपनी जगह पर रखने और एक दूसरे से उसका फासला कायम रखने पर। उस बैन में अगर वैसे खराबी हो जाए तो वो पूरा ढलक के नीचे बैठ जाता है और बड़ी सख्त तकलीफ होती है जिसको ऑपरेशन के जरिए ठीक करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा आर्जी तौर पर या मुस्तकिल ऐसी बीमारी से जिसके जिससे मसल्स के बैंड्स में तवाजुन ना रहे ताकत में, एक तरफ या ठीक है तो दूसरी तरफ ढीली हो गई है, एक दूसरी नॉर्मल है तो इधर टेंस हो गई है, तो वो जब खींचती है अपनी तरफ तो वो मसल जो मनका है वो अपनी जगह से हटता है, जब वो सिरकता है तो फिर एक तरफ ढलक भी जाता है, साथ उसका दबाव उन आसाब पर पड़ना शुरू हो जाता है जिन से पहले वो करीब तो था लेकिन उसको दबा नहीं रहा था, तो इसको भी प्रोलैप्स ऑफ डिस्क कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रोलैप्स है ये यूट्रस से ताल्लुक़ रखता है। कटार ऑफ द एयर पैसेज विथ थिक ग्रीनिश येलो और वाइट म्यूकस, अब सारी म्यूकस आ गई इसमें, ड्राइनेस इन द लैरिंग्स, ये जो हिस्सा है गले का जिसके अंदर अमूमन खांसियाँ उठती हैं इसको लैरिंग्स कहते हैं। इसमें इसका ताल्लुक दो किस्म की नालियाँ हैं, एक वो हैं जो फेफड़ों से ताल्लुक रखती हैं, जो फेफड़ों में जाती हैं उनको लैरिंग्स कहते हैं, और जो मैदे की तरफ जाती हैं उसको क्या कहते हैं, फेरिंग्स। अच्छा अभी है वक्त, थिक ग्रीनिश येलो ड्राइनेस इन द लैरिंग्स, रॉनेस इन द लैरिंग्स, सोरनेस एंड रफनेस। ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट स्क्रेपिंग इन द लैरिंग्स, एग्रवेटेड आफ्टर ईटिंग, तकरीबन मुसलसल चल सुचल स्क्रेपिंग का एहसास जैसे कुछ छील रहा है, और ख़ास तौर पर खाने के बाद और रात को बिस्तर में बढ़ जाए। इसीलिए मैंने काली सल्फ भी आपको कहा था, खाई थी पर फर्क नहीं पड़ा शायद, छोड़ दो। हाँ छोड़ दो, इसलिए कि फ़ायदा कोई नहीं था, खा रही थी तो छोड़ो तो कहा था ना, छोड़ दो है? आपके नुस्खे से पहले खा रही थी खुद काली सल्फ जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने जो आपको मना किया था कि छोड़ दो,
इसलिए कि आपने मुझे बताया था और फायदा को हो नहीं रहा था, नक्शा बिल्कुल यही है। इसलिए जिसने ये बातें लिखी हैं उनसे आप पूछेंगे तो कहेंगे बाकी सिम्टम नहीं मिलती थी, ये बड़ा अच्छा बहाना है। वो सांप वाला वाक्य पढ़ा हुआ है ना आपने, वो जो बुढ़ापे का इलाज था, एक इश्तिहार, एक किताब छोटी सी शाया हुई इश्तिहार की, उसमें ये लिखा हुआ था कि इसका मौसन मुसन्निफ जो है वो साल हा साल तक बर्मा के जंगलों में फिरता रहा है किसी पहुंचे हुए दरवेश की तलाश में, वह दरवेश मिल गया, उसकी 12 साल खिदमत की, रिटायर्ड सूबेदार था आर्मी का ये, और उसके नतीजे में आखिर जब उसने मुझे कहा कि मांग क्या मांगता है, तो मैंने कहा बुढ़ापे का इलाज बता दे और कुछ नहीं, क्योंकि इस अरसे में बूढ़ा भी तो हो चुका था। तो उसने कहा कि बहुत आसान इलाज है मगर ना यकीनी इलाज है मगर कुछ मुश्किल है। इलाज ये था कि मसलन एक मन तेल बड़े कड़ाहे में डालो, उसमें एक पाव संख्या डाल दो और उसको उबालना शुरू करो उसमें, मगर आग एक लम्हे के लिए भी ना बुझे, जब तक वो तेल खुश्क नहीं हो जाता उस वक्त तक जारी रखो। लेकिन इस दौरान शुरू ही में एक काला नाग पकड़ो और उसको जिंदा उसमें धकेल दो उसके अंदर, फिर जो माजून बनेगी अजीब गरीब सी, कहता है जितनी मर्जी उम्र हो वो देखते देखते बाल काले नए दांत ये वो जवानी औद कर आएगी। हमारे एक बहुत ही जिंदा दिल मुअल्लिम हुआ करते थे जो भीलों में से आए थे या उस किस्म की कौमों से, मगर बड़े इंटेलिजेंट और एफ ए पास किया था उन्होंने, गालिबन बी ए भी कर लिया था, तो तालीम याफ्ता चूँकि हो गए थे वहाँ अहमदिया से रबता हुआ, बड़े मुखलिस अहमदी बन गए और वक्फ जदीद के नौ कोट के इलाके में वो इंस्पेक्टर या मुबल्लिग बने हुए थे। जब उनके हाथ ये किताब आई, किताब उनके हाथ नहीं, एक और बूढ़े के हाथ आ गई, और ये चूँकि सांपों को काबू करने में मशहूर थे, होम्योपैथिक दवाएं भी देते थे और दम भी कराया हुआ था, सांप पकड़ लेते थे, तो चंद बूढ़ों का वफद, कुछ जिनके रंगी हुई दाढ़ियाँ और बॉर्डर बाल बाकी थे, खांसते बुरे हाल सोटे पकड़े हुए, एक पूरा वफद आया और ये क्या कि खिदमत खल का आपको बहुत शौक है, ये मौका बहुत अच्छा है, ये किताब है ये पढ़ ले। तो उन्होंने कहा बनाओ फिर, मुझे क्या कहते हो, उन्होंने कहा नहीं सांप वाला किस्सा है, सांप आपने पकड़ना है, और चूंकि हमारे यहाँ इख्तलाफात बहुत हैं, पैसे का भी एतबार नहीं हर एक का, आप पर हमें एतबार है, पैसा हम देंगे आप दबा बनाएं। अब ये राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ में सुना रहा हूँ, इसमें कोई सुना सुनाया किस्सा नहीं। वो एक दफा द्वारे पर जब आ गया तो उस वक्त वो उसने मुझे सुनाया वाक्य, अजीब लतीफा था, ये मान गया और बहुत पैसे इकट्ठे हुए, सारे बुड्ढे इकट्ठे हो गए इर्द गिर्द के, दूर दूर जिसको खबर मिली वडेरों को जिनको शौक होता है जवान बनने का, वो उन्होंने पैसा डाल दिया, पैसे की कोई कमी नहीं रही, और तेल आया एक मन बहुत बड़ा कढ़ाया तैयार करवाया गया और उसमें बकायदा संख्या एक पाव डाला गया, और फिर सांप की उन्होंने तलाश की, उन्होंने पकड़ लिया सांप, बहुत माहिर था ये सांप पकड़ने में, तो सांप पकड़ के अब वो तवाशा ही बुढ़े सारे देख रहे थे अब सांप अंदर जाएगा, तो गर्मी से सांप बड़ा ताकतवर, नाक बड़ा ताकतवर होता है, वो जब यूं करता था तो फिसलता था, यूं पीछे हट जाता था, तो एक दो दफा कोशिश की तो वो निकल गया हाथ से, बुढ़े बेचारे कोई दरवाजों से टकराए, कोई दीवारों से टकराए, कोई ऊंची जगह छूटे, कहता बहुत हंगामा हुआ, तो कहता आखिर सांप पकड़ ही लिया, और पकड़ के उसको फिर नजदीक से लाके अपने मैंने हाथ की गर्मी बर्दाश्त की, लेकिन उसका सिर एक दफा जब अंदर कर दिया तो फिर वो बेहद बेहस हो गया, फिर मैंने उसको धकेल दिया अंदर। एक महीना तक वो आग जलती रही,
क्योंकि उसके लिए खास था कि बहुत तेज आंच भी नहीं जलानी, थोड़ी थोड़ी लकड़ियां हल्की हल्की जलाते रहो। अगर वो तैयार हो गया, उस दिन आया ना, वो बड़ा खौफनाक दिन तुलू हुआ है, क्योंकि सारे बुढ़े अपने अपने बर्तन प्यार लिया गिलास पुरानी शीशिया किसी का कार किसी के ऊपर मरोड़ के लगाए हुए हैं, तो अपना अपना हिस्सा लेने आ गए कि इंसाफ से बांटो सबको। खैर उन्होंने सबको थोड़ा थोड़ा उसका जो रेजिड्यू था वो डाल दिया और तरीके इस्तेमाल था कि दूध के साथ एक जो चने बराबर दिन में 3 दफा खाओ, जो अगला वाक्य बहुत नजर आ गया। मरी गए जो बचे वो दरवाजा खटखटाए, रात मेरा दरवाजा खटखटाए, बदवाए देते अंतर जाते निकल पा खारिश, इतनी शदीद खारिश। आर्सेनिक से बड़ी सख्त खारिश होती है, आर्सेनिक कुछ तरह का नाम रहे कह रहे उनके सिर छीन ली अपने बाल बैठो जिस भी बाकी वो रगड़े हुए कच्चे कच्चे जिस्म बाकी रह गए, और गर्मियों में सर्दियों में ऊपर कपड़ा ना रखा जाए, कहते जो मर गए वो तो बच गए, जो बच गए वो मरे गए, बहुत बुरा हाल हुआ। कहते फिर मैंने उनको समझाया कि मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, उसका एड्रेस है रावलपिंडी किसी इलाके में था वो, तो उसको हम नोटिस देते हैं बकायदा रजिस्टर्ड खत गया कि इतने इस नुकसान के तुम जिम्मेदार हो, इतना रुपया खर्च हुआ, इतना वक्त खर्च हुआ, और ये सब कुछ हो के तुम जिम्मेदार हो। 1 रुपया में सिर्फ किताब बिकती थी, पता नहीं कितनी बेची उसने, तुमने तो मरवा दिया हमें। उसका बकायदा तहरीरी जवाब आया है कि आप लोगों की बेवकूफ़ी है, आप ये बात भूल गए कि मैंने बर्मा के जंगलों के नाक की बात की थी, थर के नाक की बात की थी। सच ये है जो होम्योपैथिक में भी बड़ा दावा चलता है कि हमने तो साथ ये कहा था कि सारी सिम्टम्स मिलती हों, वो कहाँ मिले, किसी की मिले तो फिर बेचारा ठीक हो ना कोई, क्यों जी? अच्छा 2 मिनट हैं। मगर वाक्य जरूरी था बताने वाला नहीं। वो जो अजावत के बाद पेट में दर्द होना, ये नुस्खा काम आएगा, यही आपका मतलब है ना? हाँ हाँ जो संख्या है ये वो है आपका इरादा है, फिर क्यों पूछ रही है? फिर क्यों जाना हो तो राख ही पूछना, जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछती है? तो अंग्रेजी में बताना पड़ेगा ना कि संख्या क्या चीज़ है। आसनिक आसनिक बताना पड़ेगा, जरूर इरादा है। खरीदने जाऊंगी तो क्या करूँ? दमा गर्म कमरे में बड़े और ठंड ओपन एयर में आराम आए, रैटलिंग ब्रीदिंग सबके होता है, खर खर साथ बलगम उखड़ती चलती रहती है मुस्तकिल, वीजिंग इन ए वार्म रूम, विस्लिंग वीजिंग साउंड, विस्लिंग साउंड ये दमे की बीमारियों की मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, सुबह की खांसी, रात को बिस्तर में, रात को शाम को, और जो जिसको कुछ आराम ठंडी हवा के झोंकों से या खुली हवा में आए, कोल्ड ड्रिंक से उस खांसी को फ़ायदा पहुँचता हो, ये कुछ करीब करीब की ऐसी बात है जो शायद आपको इसकी याद दिला दे। हैकिंग कॉफ, लूज कॉफ, पेरोक्सिजन कॉफ, रैकिंग कॉफ, रैटलिंग कॉफ, सफोकेटिंग कॉफ, कुछ नहीं छोड़ा, हर किस्म की कॉफ का ये इलाज है, लेकिन शर्त वही है कि इलामतें मिलती हों। टिकलिंग इन लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड डीप इन चेस्ट,
ट्रिकलिंग जो है यहाँ से शुरू होकर नीचे तक अंदर तक जाती है, लेकिन वार्म रूम एग्रवेट्स कॉफ, गर्म कमरा जो है बस यही एक इलामत है, गर्मी से तकलीफ जो परसिल्ला की याद दिलाता है, उसके सिवा कोई इसकी डिस्टिंक्टिव ऐसी इलामत नहीं जिसे आप पहचान सकें. Anxiety in chest, it is one of the most surprising remedies in catarrh of the chest. Surprising जो है ना ये ठीक है, ये unpleasant surprise देती है. अब chest की rattling में कुछ भी नहीं होता, इसलिए या तो अभी हमें इसका इस पर अभी harness करना, इसको काठी डालना नहीं आया, हो सकता है मुख्तलिफ potencies में ये मुफीद हो, तो ये तजर्बा करके देखने, तारीफें तो आपने सुन ली हैं इसकी. और रैटलिंग द चेस्ट फ्रॉम एवरी कोल्ड चेंज इन द वेदर, अगर वेदर में कोल्ड यानी मौसम में अचानक सर्दी की तरफ मैलान बढ़े जैसा कि अब बढ़ा है और फिर रैटलिंग्स पैदा हों, तो उसमें कारी सल्फ मुफीद बताई जाती है, अल्लाह बेहतर जानता है. ठीक है, अब कालमिया पढ़ाना है और इग्नेशिया, लेकिन उसके लिए वक्त नहीं रहा, क्यों नहीं मुठी बंद. मेरा जो बेटा जो 11 साल का है नसर, उसको कुछ अरसे से ये कि चंद लुक में लेता है खाने के और कहता है कि बस और नहीं खा सकता. ये तो लाइकोपोडियम की नाम होता है जो लाइकोपोडियम, उसको कुछ वक्त से दे रही हूँ. आपने उसमें ये वार्निंग दी थी कि लाइकोपोडियम ज्यादा नहीं फील करनी. फिर किस तरह दे रही हैं आप उसको? जो वक्तन फवक्तन देती नहीं हूँ. लाइकोपोडियम का केस अगर हो तो उसको रिपीट करने की बजाय उसके बाद सल्फर देनी चाहिए, सल्फर देकर फिर कैल्केरिया कार्ब फिर लाइकोपोडियम. तो ये जो चक्कर है ये इस किस्म की बीमारियों को जिनका ताल्लुक गहरी हड्डियों की बीमारी से या जिगर की बीमारी से या खून की बीमारियों से हो उनमें ये बहुत मुफीद है. ये बारी बारी का जो है ना दौर, लाइकोपोडियम, सल्फर और कैल्केरिया कार्ब. ठीक है, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़. मुझे किसने रोका इतनी देर, बताएं भला, तो पूछ सकता लेट किसने किया आज ना किस चीज ने, किस शख्स ने मुझे लेट किया आज